सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं वॉच डॉग्स 2। अब गाइस जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तुम्हारा भाई गया था ड्रग डीलर्स के बेस में और भाई वहां पे जाकर तुम्हारे भाई ने ड्रग डीलर्स के तीन तीन ट्रक डिस्ट्रॉय कर दिए। एक को तो भाई कितने बड़े सिलेंडर के पास खड़ा करके उस सिलेंडर को ही ब्लास्ट कर दिया मैंने। बाकी के दो ट्रक्स को मैंने मतलब पीछे जाके समुद्र में, मतलब वहाँ एक बड़ा सा समुद्र भी था तो मैंने उसके अंदर जाके उन दोनों को गिरा दिया। बाकी तो तुम्हारा भाई अभी इस बाइक शॉप के पास आया हुआ था और यहाँ से तुम्हारे भाई ने क्या ही टी शर्ट खरीदी है मस्त सी। और वैसे यहाँ बाइक्स भी बहुत सारी है पर यह बाइक्स मैं खरीदने वाला नहीं हूँ, मुझे जो अच्छी लगेगी मैं उसे उठा के ले जाऊँगा। बाकी तो एक बाइक और खड़ी है, मैं सोचा अभी उसको ही अपने साथ लेकर चलूँ क्योंकि भाई बाइक बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है और ओपी बाइक है। बाकी आपको लास्ट टाइम याद होगा मेरे पास रेंच का कॉल आया था और रेंच ने हमें भाई यहाँ मिलने के लिए बुलाया था और अभी हमें बस सामने जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो तुम्हारा भाई यहाँ आ चुका और यहाँ से मैंने एक अच्छी सी जैकेट भी ले ली है बिल्कुल बाइकर्स वाली, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रही है जो कि इस टाइम पे। और अभी तो बाकी जाके मैं देखने वाला हूँ कि आखिर सीन क्या है आगे और क्या करना क्या है। बाकी चलते, ये बाइक मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल रेड कलर की है और भाई साहब क्या ही मस्त बाइक है। और देख रहे हो भाई, मतलब एक पूरी बाइकर वाली बाइकर वाली लुक आ रही है और भाई इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मतलब लाइट है शाइन, अच्छा आई थिंक शाइन कर दिया, मुझे लगा इसमें लाइट्स वगैरह लगी हुई है बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो भाई बाइक उठा ली तुम्हारे भाई ने और अभी हम चलने वाले हैं उस जगह पर, मतलब जहाँ का लोकेशन हमें हमारे टीम के मेंबर्स ने भेजा है। और अभी जितने भी हमारे टीम के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे वहीं पे हमें मिलने वाले हैं और वहाँ जाके हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के बारे में। बाकी तो सारे अभी चिल कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बस मुझे थोड़ा सा ही आगे जाना है। और भाई सब क्या ही जगह है ये, यहाँ पे मतलब मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे घूम के। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं यहाँ तो आ गया लेकिन ओके तो मुझे यहाँ पे आना था ना, अपनी बाइक को यहीं साइड में पार्क कर देता हूँ। तो ओके, तो यहाँ तो तुम्हारे भाई ने अपनी बाइक कर दिया पार्क और चलते पहले इस शॉप के अंदर। पता नहीं भाई कौन सी शॉप है पर शायद से यहाँ पर अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे होंगे। और अभी मुझे जाना कहाँ, इसके अंदर जाना क्या भाई, फालतू के लोग भी परेशान हो जाएंगे, कहेंगे भाई साहब कौन है बंदा कितनी तेज़ी में आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते अपना मिशन ई प्रेस करके। और बाकी देख सकते हो गाइस जैसे कि सामने की तरफ सितारा गाना गा रही है और रे और जोश यहाँ बैठे हुए, रे भाई अपना ड्रिंक कर रहा है और रेंज तो भाई टेबल पर पड़ा हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सारे मजे कर रहे हैं यहाँ पे। और एक मिनट, यहाँ पे कुछ सीन है क्या, ओ भाई तो गई जैसा कि भी आप लोग देख पा रहे हो, मतलब ये जो बंदे यहाँ बैठे हुए हैं भाई, कोई बंदा हमें बाहर से स्पोर्ट कर रहा है, हमें टारगेट कर रहा है, तो यार अभी हमें जाके देखना पड़ेगा। और रेंच को देख रहा हूँ भाई कितना ज्यादा पिनक गया, रेंच कह रहा अभी जाके मैं बताता हूँ कौन है जो हम पे नजर रख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू यहीं बैठ, हम जाके देखते हैं। और भाई पता नहीं आखिर कौन से बंदे हैं जो कि हम पे नज़र रख रहे हैं। और बाकी जैकेट तो काफ़ी मस्त लग रही है मार्कस की, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलते हम बाहर और जाके पहले हम देखने वाले क्या कह रहे हैं, जाना कहाँ है बाकी। लोकेट हुज, ओके एक मिनट यार पढ़ने तो क्या लिखा है ये, लोकेट हु इज़ स्पायरिंग ऑन डेड सेक। ओके तो अभी हमें जो देख रहा है, हम पे नज़र रख रहा है, अभी हमें जाके उन्हें पता करना है कि आखिर वो कौन से बंदे। तो मेरे ख्याल से आगे जाना ना, बाकी मैं अपनी बाइक को नहीं ले जाने वाला, ज़्यादा दूर नहीं है बस पास में जाना है, तो बाइक को वहीं छोड़ देते हैं। और अभी चल के देखने वाले कि आखिर हमें करना क्या है। यहाँ पे भी शायद से हमें नेट हैकिंग करनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट हैकिंग करते हैं। और एक मिनट भाई, सामने की तरफ में कुछ अलग ही सीन है और हमें इसे जाके हैक करना शायद से। ओ भाई आउट ऑफ रेंज, अच्छा मुझे उस सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, छोटा सा आप स्काई ब्लू कलर का सर्कल देख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी ओके गाइस, तो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी है तो मैं आराम से चला जाता हूँ। ओके भाई किसी ने नहीं देखा। और बाकी यहाँ एक सीढ़ी लगी है तो मैं इससे ऊपर चला जाता हूँ। और एक मिनट भाई, रेंच कुछ कह रहा है, रेंच का कॉल आया हुआ है। हाँ वैसे ये भी यही कह रहा है कि भाई ये बंदे कौन है जो कि ऐसा कर रहे हैं, वैसे हमें भी नहीं पता भाई कौन से बंदे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या डाटा हैक करेंगे, हम इन्हीं का डाटा हैक कर लेते हैं। ओ भाई क्या हो गया, ओ भाई साहब गाइस, जिन जो मतलब जो बंदे यहाँ पे खड़े हैं और जिनका हम डाटा हैक कर रहे हैं वो भाई FBI के बंदे, और वो हम मतलब हम FBI वाले बंदों का डाटा हैक कर रहे हैं। शिट भाई साहब क्या ही तगड़ा सीन हो गया। बाकी इन्हें तो पता चल चुका है कि भाई कोई बंदा इनका डाटा हैक कर रहा है। ओ भाई साहब इस वैन को देख रहे हो कितनी तेजी में आई हवा की तरह और सीधा चली गई। बाकी ये तो खैर अभी हमें देख नहीं पाए कि आखिर हम कहाँ पे जाके छुपे हुए हैं, लेकिन भाई साहब अगर इनकी नज़र पड़ी ना हम पे तो बहुत ही गलत सीन हो जाएगा। वहाँ की देख सकते हो भाई साहब, मतलब
सोचा भी नहीं था हमने कि हम जिनका डाटा हैक करने आए हैं वो भाई FBI के बंदे, बाकी तो भाई सब बहुत ही गलसीन हो जाएगा। अभी एक मिनट और इस वैन वाले को देखो भाई साहब, ये बंदा यार राउंड लगा लगा के देख रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो अभी रेंज से बात हो गई हमारी और रेंज कह रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी कनेक्शन जा रहा है, तुम बस थोड़ी देर वहाँ पर वेट करो और उसके बाद वहाँ से भाग जाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस इनका जितना भी डाटा है वो एक बार हैक हो जाए। और भाई सब बस बच गया अभी मैं पकड़ा जाता, बहुत गलत सीन हो जाता तो बच गया वैसे। और मुझे बस थोड़ी देर अगर मैं यहाँ पे बैठा रहूँ शांति से तो मुझे कोई नहीं देखने वाला, तो बाकी तो मैं अभी यहाँ पे आराम से बैठा हुआ हूँ। और बस वेट करते हैं इस डाटा को कंप्लीट होने का, और डाटा कंप्लीट होते मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि अगर किसी ने देख लेना तो भाई बहुत ही गलत सीन हो जाएगा। और मैं इन सब फाइट में नहीं लेना चाहता, क्योंकि भाई ये FBI के बंदे और FBI वाले बंदे भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब खतरनाक ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि इनके ओ भाई शिट यार एक बंदा यहाँ आया था, तो भाई इनका एक ऑफिसर तो यहाँ आ गया तो तुम्हारे भाई ने उसे डाउन कर दिया, और बाकी के जितने ऑफिसर्स थे भाई सबको पता चल चुका है। तो पहले तो यार मुझे यहाँ से अपनी गन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना गन के कोई भी काम नहीं होने वाला, भाई बहुत ही गलत सीन हो चुका है। और बाकी तुम्हारे भाई ने अपनी मिनी गन तो बाहर निकाल दिया, तो तुम्हारी भैंस की टंग सबका मुँह तोड़ने वाला भी तुम्हारा भाई बिना किसी, और भाई सब आराम से आराम से, क्या ही गंदी फाइट हो गई भाई, कितनी ज़्यादा हेल्थ चली गई। और बाकी भाई पीछे से कोई बंदा तो फायर कर रहा है, लेकिन भाई कहाँ से फायर कर रहा है मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से बैठ रहे थे। और भाई साहब कितने ज़्यादा बंदे आ गए शिट, और किसी ने बॉम्ब भी फेंक दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, नीचे चलते हैं। और नीचे भी है क्या कोई, ओ भाई साहब नीचे भी आ गए, अब कहाँ से जाऊँ, एक मिनट यार, ओ शिट 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 भाई एक मिनट, ऊपर चलो भाई अभी अभी बस कैसे भी करके, नहीं नहीं बच जा। और भाई साहब क्या ही बचा मैं वहाँ से, बाकी मैं अभी यहाँ से भागने वाला, मैं यहाँ दो मिनट भी नहीं रुकने वाला, भाई हेल्थ बहुत ही ज़्यादा जा चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई साहब भून दिया बंदों ने, बिना कुछ सोचे समझो एकदम गोलियाँ चला दी। और बाकी तो तुम्हारा भाई पता नहीं किसी के स्विमिंग पूल वाले यार्ड में आ गया, और यहाँ से अभी मैं भागने वाला हूँ, बिल्कुल कहीं भी रुकने नहीं वाला, और वैसे यहाँ से चल लेते, वैसे कोई नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि फायरिंग की वजह से यहाँ जितने भी आसपास में बंदे थे वो सारे भाग चुके हैं, बाकी तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ अभी। और इस एरिया से अभी मुझे बस बाहर निकलना है, क्योंकि मुझे जो डाटा हैक करना था वो भाई हैक हो गया कंप्यूटर के, और भाई ऊपर से भी भाई बंदे आ चुके हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी नीचे जाने वाले हैं। और बस भाई मुझे अभी किसी व्हीकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी मतलब ज़रूरत है, जैसे कोई कार या फिर कोई बाइक कुछ भी मिल जाए भाई मैं उसे लेकर ही निकल लूँगा, वैसे बाइक मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि बाइक को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। और बाकी यहाँ पार्किंग तो भाई बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, तो मैं सोचा एक मिनट गाइस, यहाँ सामने की तरफ एक बहुत टॉप की बाइक खड़ी है, तो तुम्हारा भाई अभी इसी को लेकर यहाँ से निकलने वाला है, तो बाकी तुम्हारा भाई तो अभी इसमें बैठ गया। और हर जा भी सामने से भाई अभी मैं इसको बिल्कुल भगा के ले जाने वाला किसी सेफ सी जगह पर, और वहाँ जाके मैं आराम से जाके छुपक जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे कोई नहीं देखने वाला, तो मैं अपनी बाइक को यहीं खड़ी कर देता हूँ। और चलते भाई पहले पीछे की तरफ, थोड़ी देर मैं यहीं पीछे खड़ा हो जाता हूँ, एक मिनट इसके ऊपर चढ़ जाऊँ तो वैसे कोई नहीं देखेगा। तो बाकी इनके रूफ, अभी तुम्हारा भाई रूफ टॉप पर आ चुका है, और यहाँ पर आके हम थोड़ी देर कवर देकर बैठ जाते हैं, उसके बाद देखते आखिर आगे हमें करना क्या है। ओके तो गाइस, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो तुम्हारे भाई का पीछा छोड़ दिया पुलिस वालों ने, और पीछा क्या छोड़ा यार, मैं वहाँ से बिल्कुल भाग ही गया था। और जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मार्कस कोई भी मिशन करता है या फिर कोई भी ऐसी खतरनाक मिशन करता है जिसमें उसके पीछे उस पर कोई फायरिंग कर रहा हो या फिर मार्कस फायरिंग कर रहा हो या मार्कस के पीछे पुलिस पड़ी हो, उसी टाइम मार्कस अपने फेस पर मास्क लगा देता है। इस चक्कर में क्या होता है कि अगर हम आगे जाके पुलिस वालों से मतलब पुलिस वालों के सामने से भी निकलते तो कोई हमारा फेस नहीं देख पाता, तो ये तो खैर बहुत ही सही बात है। और अभी हमारी रेंज से बात हो रही है, ओके minimal communication m face to face is best meet me at the place where ओके तो गाइस अभी हमारी रेंज से बात हो चुकी है, और रेंज ने कहा ये तो खैर काफ़ी अच्छी बात है कि हमने FBI का डाटा हैक कर लिया, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था FBI का डाटा हैक करने के लिए। और बाकी अभी हमें रेंज ने कहा है कि तुम जहाँ भी हो मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हें मुझसे कहाँ पे आके मिलना, वैसा पता नहीं भाई कोई सी लोकेशन होगी शायद वहाँ पे उसने हमें मिलने के लिए बुलाया, और अभी सितारा ने भी मिलने के लिए बुलाया, लेकिन हम पहले रेंज से जाके मिलने वाले, तो चलते गए सीधा रेंज से मिलने के लिए। ओके गाइस, तो जैसे भी आप देख पा रहे हो तुम्हारा भाई वापस आ चुका है सैन फ्रांसिस्को में, और ये वो भाई कैफे जहाँ पे हमें रेंच ने मिलने के लिए बुलाया था, तो अभी चलते हैं रेंच से मिलने के लिए। हट जाओ भाई, अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा सीन ख़राब हो रहा है, तो हमें यहाँ से अंदर जाना है और चल के देखता है आखिर करना क्या। और भाई साहब बेचारी लड़की भी डर गई और सामने रेंच बैठा हुआ है, तो चल के अभी थोड़ी देर रेंच से बात करते हैं और देखते भाई आखिर रेंच हमें कहता क्या है। लगता है रेंच को ये वाला कैफे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ओ भाई तो ये सीन चल रहा है यहाँ पे। Get anywhere?
तो गाइस जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, रेंज की क्रश इस कैफे में जॉब करती है, और रेंज कह रहा है मुझे नहीं पता उसे मेरा मास्क क्रीपी लगता है या फिर हॉट लगता है। तो हाँ यार, वैसे रेंज का चेहरा आज तक मैंने भी नहीं देखा और शायद से किसी मेंबर ने भी नहीं देखा होगा हमारी टीम के, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार इसका फेस तो देखना ही चाहूँगा, बाकी देखता भी रेंज हमें कहता क्या है। Okay. Well, it wouldn't be the first time the FBI has tried to strong-arm hackers. Join us or die type shit. Why now? The timing is suspicious, given our popularity. ओके तो गाइज अभी रेंच हमें ये कह रहा है क्या तुम रे पर ट्रस्ट करते हो, या वैसे एक बात का मार्कस ट्रस्ट करता हो या ना करता हो वो मुझे नहीं पता। ओके शायद से मार्कस ने बोला है कि वो उस पर ज्यादा ट्रस्ट करता है, पर कोई दिक्कत नहीं है यार, वैसे मुझे पता नहीं क्यों रे थोड़ा अजीब सा ही बंदा लगता है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं आगे आखिर हमें करना क्या। और भाई रेंच की क्रश आ गई यहाँ पे। Do you think my friend's mask is hot or creepy? Oh, bhai, bhai, Marcus abhi keh raha hai ki ek baat poochu, tum ye batao ki tumhe mere friend ka mask creepy lagta hai ya hot? Aur ladki bol rahi hai dono hi. To bhai, ja tu enjoy kar apna mast, hum yahan se nikalte. Aur ye dekho bhai Ranch ko. Ab to jis matlab jis cafe mein ye coffee peene gaya tha, ab ye usi cafe ki ladki ke sath baith ke coffee pee raha hai. To baki abhi hame Miranda ki मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हमें मिरांडा की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वैसे यार पहले भी यही कह रहा था पर पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन मिरांडा से मिलने के लिए हमें एक ऊबर ड्राइवर बनना पड़ेगा, ऊबर ड्राइवर बोले तो जैसे हमें एक टैक्सी ड्राइवर बनना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे भी तुम्हारे भाई ने टैक्सी वगैरह तो ज्वाइन कर लिया है बस कुछ देर के लिए, और ओके तो अभी हमें जाकर मिरांडा से मिलना और कोई अच्छी सी भी कार ले लेते ताकि उसके पास जाने में काफ़ी ज़्यादा सही लगे। और ओके भाई भाई सामने की तरफ देखो, क्या ही टॉप की कार खड़ी हो भाई साहब, देख रहो बिल्कुल वैसी लग रहे मेरे को, एक लैम्बोर्गिनी सियान की तरह, बाकी पता नहीं कौन सी कार है, जो भी है भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है, और अभी मैं इसी को लेकर जाने वाला। तो अभी तुम्हारे भाई ने इस कार को तो हाईजैक कर ली, पता नहीं किस बंदे की कार होगी, आराम से चलते। ओ भाई भाई टक्कर हो गई, बाकी भाई साहब इसके एग्जॉस्ट देख रहे हो, ओ भाई क्या ही डार्क स्मोक निकल रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको लेकर चलते हैं पहले हम मिरांडा के पास, और देखते हैं भाई मिरांडा से हमारी क्या बातचीत होती है। वैसे एक बात आपको बता दूं, मिरांडा को नहीं पता है कि एक्चुअली मैं मार्कस उसके पास टैक्सी ड्राइवर बन के आ रहा है। बाकी ओ भाई एक मिनट, शिट यार इतनी बढ़िया कार हम लेकर आए थे लेकिन इस कार का कोई फ़ायदा नहीं, अभी हमें इस कचरा सी कार में बैठ के जाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस कार को लेकर चल लेते हैं। मुझे लगा मिरांडा पे, सॉरी यहाँ पे मिरांडा खड़ी होगी, एक्चुअली देखो अब हम उसे मिरांडा खड़ी होगी एक फ़ीमेल की तरह बात करेंगे क्योंकि अब उसके बॉडी के काफ़ी पार्ट चेंज हो चुके हैं, अब वो एक तरीके से फ़ीमेल ही बन चुका है, तो अब हम उसे फ़ीमेल की तरह ही बात करेंगे जैसे एक औरत से या फिर एक लड़की से बात करते हैं, क्योंकि मार्कस भी उससे ऐसे ही बातें करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तुम्हारा भाई पहुंचने वाला है अपनी कार को लेकर, और अभी तो फुल स्पीड में मैं इस कार को भगाता हुआ ला रहा हूँ, और बस सामने की तरफ मुझे थोड़ी सी दूरी पर जाना है, और बस पहुंच ही गए। एक मिनट यार, यहाँ से मुझे अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने की तरफ जैसा आप देख सकते हो वहाँ पर जाके हमें अपनी गाड़ी को पार्क करना है। तो यहाँ तो मैं पहुँच गया, और खड़ी कर देते अपनी कार को यहीं पर, और वेट करते मिरांडा के आने का। कहाँ रह गई? ओके 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 आ गई भाई मिरांडा भी। ओ भाई देख रहा हो कैसे शॉक्ड हो गई ये, हाँ मतलब इसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मार्कस को क्या हो गया, मार्कस क्यों टैक्सी ड्राइवर बन चुका है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मिरांडा से पूछ तो जाएगी कहाँ। ओके तो गाइज मिरांडा कह रही है, वैसे यार कितना अजीब लगता है ना कह रही है, ये लड़का है और हम इससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये लड़की हो। बाकी भाई मिरांडा भी हमें ये कह रही है कि मुझे मेरे मॉम के घर के पास उतार दो, उसे शायद उसकी मॉम से मिलने जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो तुम्हारा भाई अपनी कार को स्टार्ट कर चुका है और मिरांडा अंदर ही बैठी हुई है, और बाकी अभी हमारी बात चल रही है। पता नहीं भाई क्या ही सीन चल रहा है इनका, ये ओपीडी के ऑफिसर्स के सॉरी ओपीडी ऑफिसर्स के ऊपर जो कुछ चार्जेस लगे हुए हैं जिसके बारे में मिरांडा ने पहले कहा था कि वो गलत काम नहीं करती जैसा कि तुम सोच और तुम्हारी टीम के मेंबर सोचे ये वो, तो उस बारे में चल के बातें कर चल रही है मतलब मिरांडा के साथ, क्योंकि मिरांडा ओपीडी के बारे में ज्यादा कुछ जानती है, तो शायद से वो हमारी हेल्प कर सकती है उनके डाटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए। और कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर हेल्प करते तो ज्यादा अच्छी बात है, और शायद से ये मान भी गई है। Particularly a young black man. Guilty. Okay.
तो गाइज ये ना मतलब यार या तो तुम ही बोल लो या मैं ही बोल लो, बड़ 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 करते जा रहे, इतनी देर से चुप भी नहीं हो रहे। तो गाइज देखो वैसे तो एक तरीके से मानी जाएगी क्योंकि ये अपनी दोस्त है तो यार मना तो कर नहीं सकती। बाकी अभी भाई सीन कुछ ऐसा रहेगा कि वहाँ सिक्योरिटी शायद से टाइट सिक्योरिटी हो सकती है, पता नहीं क्यों ऐसा तो मिलांडा ने बोला है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा लोचा है क्योंकि सिक्योरिटी शायद पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो तुम्हें जो भी करना पड़ेगा सोच समझ कर करना पड़ेगा, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसके मॉम के घर के पास तो पहुंच ही चुके हैं और यहाँ से बस मुझे अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेना। और भाई साहब क्या ड्रिफ्ट लगी है गंदी सी, क्या यार कचरा गाड़ी दे दी है हमारे हाथ में अभी। पर कोई दिक्कत नहीं, हमें जहाँ आना था वहाँ तो हम पहुँच ही गए, और अभी अपनी गाड़ी को यहीं पार्क कर देते हैं। ओके इट्स फॉर द एफबीआई ऑफिस, आई हैव अ फ्रेंड दैट कैन हेल्प, आई विल हैव टू यूज द मॉस्को रूल्स। मॉस्को रूल्स, इसमें भी मॉस्को है क्या? और गाइस पता नहीं क्यों अभी ना थोड़ी देर पहले जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मिरांडा ने जीरो डेज के बारे में बात की, मतलब जीरो डेज के बारे में। भाई क्या सीन है, आखिर ये जीरो डेज है कौन? पता नहीं गाइस, मुझे नहीं पता जीरो डेज कौन है, शायद से वो ब्लूम कंपनी के साथ मिलके काम करती है, कुछ ऐसा ही सीन है। बाकी अगर आपको पता है ना जीरो डेज क्या है या फिर वो किस तरह का काम करती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तो यार उसे हमने यही ड्रॉप कर दिया और वो जा चुकी है यहाँ से, और अभी मैं अपनी कचरा सी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलने वाला हूँ। और मैं सोचा इस गाड़ी को यहीं साइड में कहीं पार्क कर देता हूँ और इसकी जगह भाई कोई दूसरी सी गाड़ी रख देते हैं। और भाई ये देखो क्या गंदी ब्रेक लग रही है, मतलब मैंने ब्रेक क्या लगाई, कितनी गंदी स्लिप होती हुई है ये। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसे यहीं पार्क कर देते हैं और यहाँ पे भाई एक बढ़िया सी थार खड़ी है तो इस थार को हाईजैक करके निकलते हैं यहाँ से। ओके तो यार मुझे यहीं पर आना था और बाकी मैं यहाँ पहुँच तो गया हूँ। और मुझे भाई अभी ओकलैंड में दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि मिरांडा ने कहा है कि तुम्हें ओकलैंड में जाना पड़ेगा क्योंकि वहीं पे जाके तुम्हारा वो काम हो सकता है, सैन फ्रांसिस्को में नहीं हो सकता। पर भाई अभी मैं यहाँ पर हूँ और मुझे जाना कहाँ है, एक मिनट सामने की तरफ देखो भाई, यहाँ पे जाना। शिट यार इतना लंबा, मतलब वापस। और मुझे अभी ना मतलब अगर मैं रोड साइड से होता हुआ जाऊँगा तो मतलब मुझे वापस से बहुत पीछे जाके घूम के वापस आना पड़ेगा। और यहाँ आसपास कोई शिप भी नहीं है जिसकी हेल्प की मतलब जिसकी हेल्प लेकर या किसी शिप से लिफ्ट लेकर मैं पहुँच जाऊँ। वैसे लिफ्ट क्या लूँगा मैं, तो उसे हाईजैक ही कर लूँगा। और बाकी भाई जैसा कि भी आप देख पा रहे हो बहुत दूर अभी हमें जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में चल के देखता है कि हमें करना क्या है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले की वीडियो में।